हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालय से हमारे झारखंड में ही वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें फॉर्म फिलअप करके हमें यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारा ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या इसमें हम मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मेल के लिए भी क्या वैकेंसीज निकाली गई है। तो सारे जो डाउट है आपको मैं क्लियर करती हूँ और ये मैं बताती हूँ कि झारखंड में किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसीज आई है। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो जैसा कि आ चुके हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसमें देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ फुल ऑफ टाइम टीचर इन टोटल 6 कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल ऑपरेटेड अंडर लातेहार डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है 6 स्कूल के रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए, और इसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2022 तक, इस फॉर्म को हमें फिलअप कर देना है। तो चलिए PDF को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए यहाँ पे PDF डाउनलोड हो चुका है, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर के लिए इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे देखिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि मैथ के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल पोस्ट 4 है और इसमें अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1। और यहाँ पे देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस के लिए यहाँ पे कुल टोटल पोस्ट है, यहाँ पे कुल 2 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित के लिए ये 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होते हो यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे BEd या DEd आपका होता है, और यहाँ पे TET आप पास होने चाहिए, यानी कि TET CTET आप पास होने चाहिए तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके देखिए मैं आपको बताती हूँ एज लिमिट जो हमारा होता है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 ईयर है। फीमेल कैंडिडेट URAWS BC1 BC2 के लिए 38 ईयर्स है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पे 37 ईयर्स है। SC ST मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स है। और यहाँ पे PWD के लिए यहाँ पे जो है 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और हम बात करते हैं एक्स सर्विस मैन के, तो इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो चलिए ये आई हुई है लातेहार डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और जल्दी ही आने वाली है यहाँ पे अदर झारखंड में अदर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज कस्तूरबा गांधी से ही रिलेटेड आने वाली है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगी। और आप झारखंड में कहीं के भी रहने वाले हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइएगा।